हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह है कंफ्यूजिंग वर्ड सीरीज का पार्ट 5। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है बोर्न वर्सेस बोर्न। ओके, बोर्न, बोर्न का मतलब होता है जन्म लेना। टू कम इनटू द वर्ल्ड बाय बर्थ। एग्जांपल, आई वाज बोर्न इन लखनऊ बट आई ग्रू अप इन वाराणसी। बोर्न, बोर्न का मतलब होता है ले जाना, टू कैरी और टू ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल, द क्रॉस वॉज बोर्न बाई द जेसस एज ही वॉक टू द हिल। नेक्स्ट, एमिकेबल वर्सेस एमिएबल। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, सौहार्दपूर्ण, है ना, अच्छे स्वभाव वाला, राइट। एमिएबल इज यूज टू डिस्क्राइब पीपल हु आर फ्रेंडली और सोशिएबल। ओके, एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन विद द ट्विंकलिंग आईज हैड एन एमिएबल डेमेनर दैट पुट एवरीवन एट ईज। ओके, एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है मिलनसार। ओके, amicable is used to describe relation or interaction that are civil or peaceful. Okay, example, even though they disagreed on the movie, they had an amicable discussion about it afterwards. ill versus ill. ill ka matlab hota hai bimar hona, to be troubled or suffer from physical or mental illness. Example, the brave knight continued fighting though he died allied from the wounds he sustained in a battle. एल का मतलब एक प्रकार की बियर होती है, टाइप ऑफ बियर। ओके, एग्जांपल, आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क मेनी पीपल एंजॉय रिलैक्सिंग विद अ कोल्ड एट अ पब। अबेट वर्सेस अबेट। अबेट, अबेट का मतलब होता है कम होना, ड्यूरेशन और ग्रेजुअली डिक्रीज इन इंटेंसिटी अमाउंट और फोर्स। एग्जांपल, आफ्टर अ वीक ऑफ हैवी रेन द स्टॉर्म फाइनली अबेटेड एंड द सन पीक्ड थ्रू द क्लाउड्स। अबेट, अबेट का मतलब होता है दुष्टता में साथ देना, टू एनकरेज और हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम, रॉन्ग डूइंग्स। एग्जाम्पल, सी अबेटेड द थीफ इन हिज गेटवे। नेक्स्ट, अपोजिट वर्सेस अपोजिट। ओके, अपोजिट, अपोजिट मतलब होता है विपरीत। ओके, सिचुएटेड डायरेक्टली फेसिंग और इनडायरेक्टली कॉन्ट्रास्ट ऑफ समथिंग इल्स। एग्जाम्पल, माई हाउस इज लोकेटेड डायरेक्टली अपोजिट द पार्क ऑफरिंग अ ब्यूटिफुल व्यू। ठीक है, जो ए से अपोजिट होता है उसका मतलब होता है उपयुक्त, वेरी फिटिंग और अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज सिचुएशन। एग्जाम्पल, द टीचर्स विटी रिमार्क वॉज अपोजिट परफेक्टली कैप्चरिंग द मूड ऑफ क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट, अलोन वर्सेस लोनली। अलोन का मतलब होता है अकेला, बींग विदाउट कंपनी बाय वनसेल्फ, बिल्कुल अकेला होना। एग्जाम्पल, आई एंजॉयड सम अलोन टाइम रीडिंग अ बुक इन द क्वाइट कॉर्नर ऑफ द कॉफी शॉप। लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेलापन महसूस करना। ओके, फीलिंग सैड और आइसोलेटेड ड्यू टू लैक ऑफ कंपेनियनशिप। इवन दो सी वॉज सराउंडेड बाई पीपल एट द पार्टी सी स्टिल फेल्ट लोनली। ऑब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, पर्पज। इसका दूसरा मतलब होता है डिसलाइक समथिंग समबॉडी, ये किसी को ना पसंद करना। एग्जाम्पल, मैनी पीपल ऑब्जेक्ट द न्यू टैक्स। अनदर एग्जाम्पल, मेकिंग मनी इज द सोल ऑब्जेक्ट इन लाइफ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, टेरिबल एंड विदाउट होप, एंड दूसरा मतलब होता है विदाउट एनी प्राइड रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए बिल्कुल सम्मान न होना। एग्जाम्पल, सी पोलाइटली ऑब्जेक्टेड टू द टीम्स डिसीजन एंड प्रेजेंटेड हर अल्टरनेटिव प्लान। ओके, नेक्स्ट, बाय वर्सेस बाय। बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना। एग्जाम्पल, दे बाय अ न्यू हाउस। ओके, बाय, बाय, बाय का मतलब होता है बगल में या बहुत पास में या समीप या के द्वारा। ओके, एग्जाम्पल, कम एंड सिट बाय मी। अंदर एग्जाम्पल, ही वॉक्ड स्ट्रेट बाय मी विदाउट स्पीकिंग। नेक्स्ट, ब्लू वर्सेस ब्लू। ब्लू, ब्लू का मतलब होता है नीला। ओके, इट्स कलर एंड ब्लू का मतलब होता है बहना या चलना, टू बी मूविंग और टू कॉज समथिंग टू मूव। एग्जाम्पल, द जेंटल ब्रीज वॉज ब्लोविंग। अनदर एग्जाम्पल, द बैलून्स ब्लू अवे। ओके, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में या के पास, एट द साइड ऑफ और नेक्स्ट टू समबॉडी समथिंग। एग्जाम्पल, कम एंड सिट बिसाइड मी। ओके, बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, There will be six people coming besides you and Raj. Okay. Next, bacon versus vegan. Bacon. Bacon का मतलब होता है एक प्रकार का सूखा हुआ मांस जो आमतौर पर सूअर का बनाया जाता है. It refers to a type of cured meat typically made from pork. Example, I cooked crispy bacon for breakfast. Bacon. Bacon का मतलब होता है प्रकाशक
refers to a signaling device that emits light to guide or warn. Example, the lighthouse beacon helped ships navigate safely through the foggy waters. Next word है हमारा bad versus bad. B-A-D, bad. Bad का मतलब होता है बुरा और B-E-D, bad. Bad का मतलब बिस्तर. Okay. Next, bag versus bag. Bag. You can see here, this is bag and bag. Bag का मतलब होता है to ask somebody for something strongly or with great emotion. Example, he begged for forgiveness. Next word है हमारा auger versus auger. Auger. Auger का मतलब होता है बर्मा. A tool जिसमें जमीन में छेद किया जाता है. ठीक है. Example, if you need to bore a hole in a block of ice, grab your auger. Okay. Auger. Auger का मतलब होता है भविष्य बतलाना. To be a sign of especially good or bad things in a future. Okay. Example, this bad news augurs disaster for all of us. ओके नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसरी वर्सेस एक्सेसरी. एक्सेसरी. एक्सेसरी का मतलब होता है सहायक वस्तु. इट इज़ अ नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग दैट कैन बी एडेड टू अ मशीन और क्लॉथिंग. एग्जांपल, माय फेवरेट आउटफिट इज अ ब्लैक ड्रेस विथ अ स्पार्कली एक्सेसरी लाइक अ स्टेटमेंट नेकलेस. एक्सेसरी. एक्सेसरी का मतलब होता है तत्व. एक्सेसरी इज अ नाउन यूजुअली यूज्ड इन ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ व्हिच डिस्क्राइब्स समवन हु हेल्प्स अनदर पर्सन कमिट अ क्राइम. ओके एग्जांपल, ही वाज चार्ज्ड एज एन एक्सेसरी टू मर्डर. ओके नेक्स्ट, अब्जर वर्सेस एडजर. अब्जर. अब्जर का मतलब होता है त्यागना. टू फॉर्मली रिजेक्ट समथिंग ऑन अ बिलीफ और कॉज. एग्जांपल, आफ्टर इयर्स ऑफ बीइंग अ विलन द कैरेक्टर फाइनली अब्जर्ड ईविल एंड डिसाइडेड टू यूज हिज पावर फॉर गुड. एडजर. एडजर का मतलब होता है शपथ लेकर कहना. टू सोलेमली कॉल अपॉन समवन टू डू समथिंग ऑफन इन द नेम ऑफ हायर पावर और आइडियल. एग्जांपल, द किंग एडजर्ड हिज नाइट्स टू डिफेंड द किंगडम विथ देयर लाइव्स. ओके नेक्स्ट, एब्डिगेट वर्सेस एब्रोगेट वर्सेस एरोगेट वर्सेस डेरोगेट. एब्डिगेट. एब्डिगेट का मतलब होता है टू गिव समथिंग अप स्पेशली पावर और पोजिशन. ओके एग्जाम्पल, किंग एवार्ड एट एब्डिगेट द ब्रिटिश थ्रोन इन 1936. एब्रोगेट. एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द कर देना. टू फॉर्मली एंड और कैंसल समथिंग इन एन ऑफिशियल वे. एग्जाम्पल, आई डिसाइडेड टू एब्रोगेट आवर पीस ट्रीटी. गॉट एनी ऑब्जेक्शन. नेक्स्ट, एरोगेट. एरोगेट का मतलब होता है झूठा दावा करना. टू क्लेम समथिंग विदाउट जस्टिफिकेशन और टू अज्यूम समथिंग एज वंस ऑन विदाउट राइट. एग्जाम्पल, आई डू नॉट एरोगेट टू माई सेल्फ द राइट टू जज. डेरोगेट. डेरोगेट का मतलब होता है लज्जाजनक. ओके, इन इंसल्टिंग इंटेंडेड टू मेक अ पर्सन और थिंग्स सीम ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस और वैल्यू. एग्जाम्पल, ही मेड सम डेरोगेटरी कमेंट रिमार्क अबाउट हर अपीयरेंस. ओके नेक्स्ट, बेल वर्सेस बेल. बेल. बेल का मतलब होता है जमानत पर छोड़ना. द टेम्पोररी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी. Example, she was released on a bail of 20,000. Right? Bail. Bail का मतलब होता है गट्ठा. A large quantity of something pressed tightly together and tied up, as you can see in the picture. Okay? For example, a bail can be a large package or hay, paper or cotton or a group of titles. Okay? Next, brake versus brake. Brake. Brake का मतलब होता है a function in a vehicle to slow down or completely stop. Okay? Example, the driver immediately applied brake to stop the train. Brake. Okay? इसका मतलब होता है तोड़ना. टू सेपरेट इन टू पार्ट्स ऑफ पीसेस. एग्जाम्पल, आई हैड टू ब्रेक द विंडो टू गेट इन टू द हाउस. ओके तो दैट्स इट फॉर टूडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल टू लर्न इंग्लिश इन अ सिंपल वे.